हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गबरू वाईटी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं GTA 5 का प्रीमियम वर्जन, जो कि एक्सक्लूसिवली फ्री मिल रहा है आज एपिक गेम्स पर। ये ऑफर खाली 21 मई 2020 तक, तो प्लीज़ जाके इस गेम को डाउनलोड कीजिए, इस गेम को खेलिए। ये आपको कंप्लीट वर्जन, GTA 5 का फुल वर्जन, जी हाँ, ऑनलाइन स्टोरी प्ले, रोल प्ले सभी आपको फ्री मिल रहा है, जो कि आज के टाइम पर आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर जाके 2500 का मिलेगा, वो आज फ्री मिल रहा है। GTA 5 जिसके अंदर रोल प्ले का भी एक वर्जन है, जो कि रोल प्ले हम देखते हैं, आप स्ट्रीमर्स को देखते हैं करते हुए, खेलते हुए, और आपका भी मन करता है हम खेलेंगे, तो उसके लिए पहले आपको परचेज करना पड़ता था, लेकिन आज वो फ्री मिल रहा है। तो देखते हैं कि कैसे आप उसको आज परचेज कर सकते हो, वो भी फ्री में, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइज प्लीज़ पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि आपको कैसे परचेज करना और कैसे उसका रोल प्ले सेटअप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र, किसी ब्राउज़र पर जाइए, epicgames.com पर आप जाएंगे। वहाँ पर मैंने पहले ही वो एंटर कर रखा है। जैसे आप एंटर दबाएंगे, एपिक की साइट लॉन्च हो जाएगी और आपके आगे ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीमियम एडिशन GTA 5 फ्री नाउ दिखा रखा है, रिक्वायर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। साइन इन पर आप क्लिक कीजिए और आप साइन इन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया है, मैंने अपना गूगल अकाउंट यूज़ किया है और मैं एंटर हो गया हूँ। एपिक के फर्स्ट पेज पे जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल हैं जिनको आप बाय भी कर सकते हैं और फ्री टू प्ले भी है। GTA जैसे कि इन्होंने फ्री टू प्ले अभी दे दिया है, तो यहाँ पर और भी गेम्स अवेलेबल हैं जो आप फ्री टू प्ले खेल सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, चेकआउट कीजिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स मिलेंगे, जैसे कि ऑटो चेस, स्माइल, प्लैनेडियन, मैजिक द गैदरिंग एरिना, बैटल ब्रेकर, द साइकिल, डॉन्टलेस ऑफ फोर्टा। ये फ्री में आप खेल सकते हैं, कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा इसमें आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा मिस्ट्री गेम हर वीक में एक गेम एपिक गेम्स फ्री में देता है, उनको आप चेकआउट करते रहिए। तो चलिए GTA 5 डाउनलोड करते हैं। हम GTA 5 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे आगे आएगा कि आप 18 प्लस होने चाहिए। तो 18 प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको इतना बोनस कैश मिलेगा जो कि आपके अकाउंट में 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। वो बताएंगे दिस कैश बोनस कैश इज ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टर पैक ऑन, यानी एक बार ही मिलेगा, बार बार आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको रोल प्ले, ऑनलाइन, सारे के सारा वर्जन इसके अंदर प्रीमियम एडिशन के अंदर मिलेगा। तो हम गेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हम गेट पर क्लिक करते हैं, हमारे आगे आ जाता है लोडिंग योर ऑर्डर। यहाँ पर आप देखोगे कि $0 ये दिखा रहा है, कोई इसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो आपके ईमेल पर एक रिसिप्ट आ जाएगी कि आपको वो परचेज हो गया। उसके बाद आपको करना होगा कि एपिक लॉन्चर आपको चाहिएगा GTA 5 को डाउनलोड करने के लिए। आप पहले डाउनलोड एपिक लॉन्चर पर क्लिक कीजिएगा और ये एपिक लॉन्चर आपका डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास पहले से ही एपिक का लॉन्चर डाउनलोड होकर इंस्टॉल पड़ा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, नेक्स्ट 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 करके फिनिश दबा दीजिएगा और फिर एपिक लॉन्चर स्टार्ट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा एपिक लॉन्चर अभी स्टार्ट हो रहा है। सारा का सारा प्रोसेस होने के बाद आपके पास जैसा कि एपिक गेम्स का होम पेज खुला था, वैसा ही होम पेज यहाँ पर भी खुल जाएगा। यहाँ पर हम अपने पुराने अकाउंट को लॉग आउट करके जिस अकाउंट से हमने परचेज किया था उस अकाउंट से साइन इन करेंगे। दोबारा से वही साइन इन प्रोसेस जो एपिक गेम्स के पास हुआ था, दोबारा से साइन इन हमने कर लिया है और हमें सक्सेस दिखा दिया है। हम वापस अपने लॉन्चर पे जाएंगे, हमें वही होम पेज दिखाई देगा जो कि हमें एपिक गेम्स की साइट पर दिखा था। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी लाइब्रेरी में, जहाँ पर लाइब्रेरी में आपको ने जो गेम्स परचेज किए हैं सभी दिखा रहा होगा कि जो जो से परचेज किए आपने, चाहे फ्री टू प्ले है चाहे पेड है। यहाँ पर आपको GTA 5 दिखाई दे जाएगा जो कि आपने अभी अभी खरीदा था। उनकी आप एग्रीमेंट पढ़िए, टर्म कंडीशंस पढ़िए और उनको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो इंस्टॉलेशन के एक पाथ मांगेगा, आप इंस्टॉलेशन पाथ डालिए, उसमें ऑटो अपडेट कीजिए और इंस्टॉल चालू कर दीजिए। आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और उस गेम को पूरा इंस्टॉल होने दीजिए। अराउंड 95 GB का ये गेम है, तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप उसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना GTA 5 डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल भी हो गया है। अब हमें करना है अपना रोल प्ले सेटअप। तो 5M की साइट पे हमें जाना है। आप गूगल पर 5M सर्च कीजिए। जैसे आप 5M करके सर्च करेंगे तो पहला लिंक जो आएगा 5M GTA 5 मल्टीप्लेयर, उस पर जाइए और डाउनलोड क्लाइंट कीजिए। वो टर्म एंड कंडीशन देंगे जिनको आप पढ़िए और उनको एग्री करके उनका जो 5M का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा सॉफ्टवेयर राइट में डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड हो जाता है हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। हमारा 5M का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है और हमने इंस्टॉलेशन चालू कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया, वो कुछ अपडेट है जो अपडेट फाइल अपडेट करेगा।
बूटस्ट्रैपिंग 5M कर रहा है अभी भी, इसके बाद 2-3 अपडेट्स वो और करेगा, अराउंड 1.5-2 GB की 5M भी अपडेट मांगता है। वो सारी अपडेट्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शुरू रहेंगी और उनको पूरा अपडेट हो जाने दीजिए, बीच में कोई भी कैंसिल का बटन मत दबाइएगा। और गाइस इस प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग अपना एंटीवायरस को बंद कर लीजिएगा ताकि ये प्रोसेस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर अपना डाउनलोड पूरा हो गया है, वेरीफाई हो गया है और ये अपना 5M अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5M एक बार बंद होगा, 5M को दोबारा से स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है आप अपना स्टीम का अकाउंट जरूर ओपन कर ले, क्योंकि वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इधर अपना स्टीम का अकाउंट लॉगिन किया, जो भी अपडेट मांग रहा है फ्री अकाउंट हो, आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं, कुछ लिंक करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकाउंट पे क्लिक कीजिए और वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद आप 5M का आइकन जो डेस्कटॉप है उस पर क्लिक करके भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपके आगे स्क्रीन आएगी जो कि अभी आपको दिखाई देने, रॉकस्टार का एक बार इमेज आएगा क्योंकि GTA बैकग्राउंड में वो आपको लोड कर रहा है। जैसे ही आप खोलेंगे पहले पेज पे आपको वेलकम टू 5M लिखा दिखेगा और यहाँ पर अलग अलग फोरम्स में डिटेल्स मिलेंगी जिनको आप पढ़ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जो आपको दिखेंगे सर्वर, जहाँ पर आपको एक्चुअली में खेलना है, ये सारी लिस्ट है। लेफ्ट में आपको फ्लैग दिखाई देंगे, यहाँ पे इंडिया का भी फ्लैग दिखाई देगा, आप टैग में भी सर्च कर सकते हैं। सेंटर में जितने भी हैं सारे के सारे सर्वर के नाम्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इंडिया का सर्वर सर्च करते हैं। इंडिया का जैसे हम डालेंगे तो देखिए इंडिया का टैग आ जाएगा, जैसे इंडिया का टैग करेंगे तो हमारे पास इंडिया के जितने भी सर्वर होंगे सारे आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले पहला ही सर्वर ज्वाइन करते हैं, इंडी फाइव सर्वर को आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वो अपने सर्वर से कम्युनिकेट करना शुरू करेगा और वहाँ पर जितने भी कंटेंट होंगे, बेसिकली क्या होता है कि सर्वर पर जितने भी स्क्रिप्ट्स डाली जाती हैं, जितने भी फंक्शन डाले जाते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम 5M डाउनलोड करता है, तो वो दोबारा से एक बार फिर से आपकी डाउनलोडिंग शुरू होगी। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये डाउनलोडिंग हर सर्वर की अलग होती है, आप जितनी बार जितने भी सर्वर डाउनलोड करेंगे या फिर जितने भी सर्वर ज्वाइन करना ट्राई करेंगे तो उन सब की स्क्रिप्ट एक बार डाउनलोड होगी और आपको सारा का सारा उनका डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पर जैसे कि 230 आइटम्स दिखा रहा है, काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, कोई एक आधा ही होता है जो 8-9 MB का है, अदरवाइज 0.1 MB 0.2 MB का है, तो ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप आगे RP के लिए बढ़ सकते हैं। आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि हर सर्वर का एक डिस्कॉर्ड चैनल होता है, देखिए यहाँ पर भी एक डिस्कॉर्ड चैनल आप उधर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं इस रोल प्ले के दौरान वो आपको मिलते हैं। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो हो सकता है 5M या फिर वो सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर आपको ब्लॉक कर दे उस सर्वर पर खेलने के लिए। ऐसे अगर आप बार बार ब्लॉक होते रहे तो शायद आपको परमानेंट बैन भी मिल सकता है, तो प्लीज़ डू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी किसी भी सर्वर के आपको बताए जाते हैं। तो अपना यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 200 आउट ऑफ 230 हो गया है, एक कुछ ही टाइम में ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस सर्वर के सारे कंटेंट डाउनलोड हो गए हैं, ऊपर टॉप लेफ्ट स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि वो सारे के सारे इंस्टॉल कर रहा है, प्री मैप मैप जैसे भी है वो अपलोडिंग अभी चल रही है, डाउनलोडिंग आपके सर्वर पर चल रही है, सारा का सारा प्रोसेस एक बार ये करना ज़रूरी है। ये देखिए नया सेशन अभी राइट में आपको शुरू करके देख रहा है, आपको जितनी बार भी आप इस सर्वर पर खेलेंगे तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ये सारी स्क्रिप्ट लोड होने में टाइम जरूर लगेगा, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना सर्वर स्टार्ट हो गया है, अभी देखिए सब कुछ सारी स्क्रिप्ट्स लोड हो गई, आपको लिखा गया यू आर नॉट इन द सेफ जोन, पहला वेलकम पेज जो कि आपके सर्वर का होगा वो आ जाएगा। मैंने एंटर किया है और ये मेरे कैरेक्टर्स की डिटेल फेच कर रहा है, अगर आप ऑलरेडी पहले लॉगिन कर चुके हो तो आपका जो प्रीमेड कैरेक्टर है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको एक नया कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। हमने देखिए नए कैरेक्टर पे क्लिक किया है तो वो धीरे धीरे जो भी कैरेक्टर की स्क्रिप्ट्स हैं वो डाउनलोड कर रहा है। पहले मेरे को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी होगी, हम अपना नाम डाल देते हैं गबरू YT, जिससे कि पूरे RP वाले आपको जानेंगे, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन करे फंकी सा नाम, ताकि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। तो अब यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ वही डाल दी जो कि यहाँ पे दिखाई गई थी, हमने क्रिएट कर दिया है। तो ये देखिए पहला स्क्रीन मेन्यू आ गया है कि आप अपने कैरेक्टर को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे उसके लुक्स होंगे, क्या वो पहनेगा, क्या कपड़े हैं, क्या ड्रेस हैं, वो सारी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपको बड़े ध्यान से ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सर्वर दोबारा से मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करते। तो अपने कैरेक्टर को सोच समझ के मेल फीमेल क्या बनाना है, कैसे उसको शेप देनी है, क्या कपड़े पहनाने हैं, वो सारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। कैरेक्टर बनने के बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, मैं GTA के रोल प्ले में घुस चुका हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो चेकआउट करने के बाद ही अंदर जाइए। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन याद रखें, ये ऑफ़र फ्री वाला खाली 21 मई तक है, उसके बाद RP का ये प्रोसेस आपके लिए सेम रहेगा। आप कभी भी ट्राई कीजिए, अपना परचेज करके कीजिए, या किसी दोस्त को अगर आपने बताना है तो आप हमारी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।